गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मशरूम दो प्याजा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसानी से बनाने के लिए मैंने डिब्बे वाला मशरूम 250 ग्राम मंगाया है, और पैकेट वाला मशरूम डिब्बे वाला मशरूम दोनों मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले मैंने मशरूम के ऊपर की स्किन को इस तरीके से हाथों के हेल्प से या चाकू के हेल्प से आप हटा दीजिए। अच्छे से 3-4 पानी से पहले धुल लेंगे, फिर इसे हम कट करेंगे। मशरूम को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर बहुत बड़ा मशरूम है तो आप एक का 4 पार्ट कर दीजिए, नहीं तो 2 पार्ट ही करिए। मशरूम हमारे कट के रेडी है। अब हम लेते हैं थोड़ा सा कढ़ाई में तेल 2 चम्मच के करिए, फिर मशरूम इस तेल में डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं, ढक के हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। फिर आप देखेंगे कि मशरूम छोटे साइज के हो जाएंगे और ये मशरूम रेडी है, फ्राई हो चुका है मशरूम, इसे हम निकाल लेते हैं। प्लेट में हमने मशरूम को निकाल लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल डालते हैं और इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा तड़कने लगे तो इसमें 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी 1-2 मिनट तक इस तरीके से हम भून लेंगे। ये सब कुछ पक चुका है। मैं तो एक गलती कर दी, मैंने क्या किया कि मैंने जब मशरूम फ्राई किया था तो उसी समय पे मैंने इस प्याज को भी 2 प्याज को मैंने इस तरीके से कट करके निकाल लिया है, तो इसको भी फ्राई करना था। मैं बोल रही थी आप मत ये गलती करना, आप पहले ही फ्राई कर लेना। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ इसे। ये प्याज मैंने इस तरीके से काटा था, इसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है प्याज। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। 1 टमाटर का प्यूरी मैंने डाला है, क्योंकि टमाटर बहुत महंगा है इसलिए सब्जी में 1 ही टमाटर जाता है। अब हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला 1/2 चम्मच के करीब मैंने डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला 1 चम्मच। हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी छोटी कटोरी से पानी और इसे हम मिक्स करके ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले ने तेल को छोड़ दिया है, मतलब मसाला पक चुका है। इसमें हम 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो क्रीम या काजू का पेस्ट वगैरह डाल सकते हो, जो आप पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 2 चम्मच दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक के 1 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना फ्राई किया हुआ मशरूम और प्याज। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए, थोड़ी देर तक इसे भी ढक के पका लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मशरूम और प्याज में मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ अच्छे से। और अब हम इसमें अपने अनुसार जितना हमें इसकी ग्रेवी आप रखना चाहते हो उतना पानी डाल दीजिए। मैंने इसमें 2 छोटी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं और ढक देंगे इसे पकने के लिए 3-4 मिनट पे स्लो आंच पे। सब्जी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया।
प्याजा जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, ये मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ।